अरविंद जी, खैर हम आते हैं आपके पास, आजम खान के पास जब दोबारा आएंगे तब तक शायद वो और बेहतर सोच के रखें। ये जो मसला खड़ा हो गया है बाबरी मस्जिद का, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। 27 में विधानसभा भी है उत्तर प्रदेश में, और ये लोकसभा के बाद अगले साल 27 से पहले बीच के साल में पंचायत का चुनाव भी है क्या? तो धुन्नीपुर जिंदाबाद, यूं ही तो नहीं मसला उठा दिया। और समाजवादी पार्टी अभी कह रही कि हम संविधान के अनुरूप कार्य करेंगे, अब संविधान में धुन्नीपुर लिखा नहीं कहीं, तो फिर वो हिचक रहे हैं। और उधर जो नया कमांडर आया बीएसपी का, वो ताल ठोक रहा है कि हम चलेंगे कार सेवा करेंगे वहां। तिलक जी, हाँ अमिताभ जी, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए ये लड़ाई सपा बसपा जो है 2024 की नहीं लड़ रही है, उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि 2024 में हश्र क्या होगा। दरअसल ये लड़ाई पूरी 2027 की है, और ये मान करके चलिए कि इस 2024 में जो एक तासीर उभर करके आएगी उसी का जो है परिणाम जो है 2027 होगा। और जिस तरह आनंद ने धुन्नीपुर मस्जिद को बाबरी मस्जिद का नाम लेकर के जिस तरह से उन्होंने अपने अंगत की तरह पांव रखने की कोशिश की है, एक किस्म से माइलेज ले ली है। मजेदार बात यह है कि आप मुरादाबाद से लेकर के रामपुर तक, सहारनपुर से लेकर गाजीपुर तक, पूरे मुस्लिम जमात में दो फाड़ हो गए हैं। चाहे वो एसटी हसन का मामला हो, चाहे आसिम रजा का मामला हो, यह किसी से छिपा हुआ अब नहीं है। और कहीं ना कहीं जो है मायावती की नजर उस पर है, और मायावती के जो मुस्लिम जमात के जो लीडर है कहीं ना कहीं जो अंदर खाने में इसको लेकर के एक बड़ी जो है लाइन खींच रहे हैं, किसी से छिपा हुआ नहीं है। अभी अभी तो अभी शुरुआत हुई है, अभी आनंद बहुत कुछ कहेंगे। देखिए तो अभी जब वो बढ़ेंगे दूसरे चरण में, तीसरे चरण में, तो तमाम ऐसी चीजें उभर करके सामने आएगी जिसमें समाजवादी पार्टी के लिए उनको कोना ढूंढना पड़ेगा। और ये कहना बड़ा आसान नहीं रह जाएगा कि अफजाल जो है वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए हम वहां पे गए हैं। बिल्कुल यह सवाल प्रयागराज में जो है उस सवाल को उठाया जाएगा। आपने देखा कि जब अतिकर उनका भाई मारा गया तो उसी समय तमाम मुस्लिम जमात के लोग कहते, उसमें बौद्धिक लोग भी थे, कहते सुने गए थे कि अगर ये अखिलेश यादव जो है विधानसभा में योगी जी को नहीं उकसाए होते तो शायद ये नौबत नहीं आती। यानी पूरा जो है ठीकरा उन्हीं के ऊपर फोड़ते हुए देखे गए। और आपने 2022 के विधानसभा में भी देखा कि किस तरह से आजम खान के समर्थक ये कहते सुने गए कि तमाम मंचों में, रैलियों में कहीं भी आजम खान का नाम नहीं लिया गया, और इसी वजह से जो है हार हुई है विधानसभा में। तो ये तमाम ऐसी चीजें जो है समाजवादी पार्टी को जवाब देना कठिन होगा, और वो सवाल खुद जो है बसपा खड़ा करेगी, और इसमें किसी को शक नहीं है, और उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी है। अमिताभ जी, दानिश कुरैशी साहब पास चलूं, उससे पहले एक बात जरूर कहूंगा कि राजनीति में एक एक शब्द और एक एक वाक्य के एक एक हिज्जे का है, हिज्जा समझते हैं ना आदम भाई, उसका भी बड़ा महत्व होता है। कौमा कहाँ लगा है, क्या लाखों वोट इधर उधर हो जाता जरा से उस सेंटेंस में। मैं दो उदाहरण रखता हूं फिर दानिश कुरैशी साहब पास आऊंगा, आनंद आएगा सुन के। आकाश आनंद ये भी कह सकते थे कि धुन्नीपुर में बनने वाली मस्जिद में हम सहयोग करेंगे, खड़े रहेंगे, क्या तब उसमें मजा नहीं था उतना ना। तब वो गांव का शरबत था, गुड़ और पानी, क्या और ये है सोडा झरप झाग, क्या जब इसमें बोला बाबरी मस्जिद, उस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद नहीं रखा जा रहा है, बट आनंद ने कहा, आकाश ने, बाबरी मस्जिद, चूंकि सारा खेल बाबरी पर है इमोशंस का। मस्जिदें तो 3.5 लाख हैं, आजम खान को पता भी नहीं होगा कितनी मस्जिदें देश भर में हैं, 3.5 लाख से ज्यादा है भाई। और दूसरी एक बात कहता हूं दानिश कुरैशी साहब, जरा आप भी गौर फरमा लेना, हाजी याकूब कुरैशी ने जो बोला उसके हिस्से देखिए, जरा उसका प्रोनंसिएशन देखिए। अखिलेश यादव ने सीएम साहब को भड़काया, योगी जी को भड़काया, और अतीक को मरवा दिया, अशरफ को मरवा दिया, क्या वो ये भी कह सकते थे हाजी याकूब, हाजी याकूब के गले में कोई सेंसर तो है नहीं, तो सब जानते साइलेंसर तो है नहीं, वो ये भी कह सकते थे योगी को भड़का के मरवा दिया, क्या मुख्यमंत्री जी, चीफ मिनिस्टर साहब, दानिश कुरैशी
कुछ तो बदल रहा है। नहीं, वो एक सीरियल आता जिसमें वो कहता दया कुछ तो गड़बड़ है, मामला कहीं तो फंस रहा है। धनंजय गुरु जी साहब, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि जहां तक सवाल है याकूब कुरैशी की, तो याकूब कुरैशी का जो स्टेटमेंट है, आपको पहले भी कहा कि अब से पहले ये जितने भी बड़बोले नेता जो है ना, ओवैसी साहब जितना मुखर होके और कोई भी नहीं बोलता, चाहे वो पार्लियामेंट हो चाहे जमीन हो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर अखिलेश यादव ने या सीएम ने या किसी ने भी ये काम किया था तो आप अपने मुंह से जबान से तो निकालते। चुनाव के वक्त जब याद आया है ना, तो चुनाव के वक्त तो देखिए मुसलमानों को भयो भयो करने के लिए तो तमाम लोग लगे पड़े, और यही चीज तो हम बैरिस्टर सत्यदीन ओवैसी साहब की पार्टी और ओवैसी साहब खुद ये समझाने की फिक्र में है कि देखिए जी जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा शाम को 5:30 बजे के बाद आपको कोई पूछने तक नहीं आता भाई आपको उसके बाद गोली मार दी जाएगी या उसके पहले गोली मार दी जाएगी। सवाल यहीं आके खड़ा है कि जब आपके मतों की बात आती है तो समाजवादी पार्टी दिखती है, ना बसपा दिखाई पड़ती है, ना कांग्रेस दिखाई पड़ती है, कोई दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन अभी चुनाव है तो अभी उनको सब याद आएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अनकरीब एक साल होने आया अतीक अहमद के गुजरे हुए, तब तक याकूब साहब को याद नहीं आया अतीक अहमद मर भी गए हैं अखिलेश अगर नहीं चढ़ाते तो ये। लेकिन इनको याद इसलिए आया है क्योंकि अब चुनाव है, तो इसी चुनावी भाव में न बहने बहने की जरूरत है। बैरिस्टर सत्यदीन ओवैसी साहब जो ये बात कहते हैं बार बार इन्हीं चीजों को उतारते हैं कि कब तक आप वोट देने वाले बनते रहोगे। अरे लेने वाले बनने की कोशिश, जिसके पास 20% आबादी अपने प्रदेश में है वो भी अगर लेने वालों की बात कर रहे हैं, और देख लीजिए कोई क्या है, तो कोई 7% में अपनी दावेदारी ठोक रहा है, कोई 14% में अपनी दावेदारी ठोक रहा है, और हम 20% में आज भी तरी जी कब तक बिछाते रहेंगे। ठीक बात दानिश गुरु जी साहब। अनूप चक के पास आऊं, उससे पहले एक टिप्पणी, बड़ी न्यूट्रल टिप्पणी लेकिन जरूरी है अरविंद भाई, कि मैंने सोचा कि बड़ा फाटक क्यों गए अखिलेश जी गाजीपुर, और अतीक और अशरफ के मरने पर क्यों नहीं गए। जिस विद्या के गुणी मुख्तार थे उसी विद्या गुणी अतीक थे, हैं? ये हो सकता है अतीक पोस्ट ग्रेजुएट हो तो ये ग्रेजुएट होंगे, या ये पोस्ट ग्रेजुएट होंगे तो वो ग्रेजुएट होंगे। बहुत छुटाई बढ़ाई नहीं, कोवर छोट कहा था अपराधू, उनके पास भी गोली थी, इनके पास भी गोली थी, दे दबा दब, ऐसा तो था नहीं कि ये सरसैया घाट पर धुनी रमाए थे। तो मैंने चिंतन किया तो मैंने पाया, अरविंद जी इसी यही सवाल है, मैंने ठीक सोचा कि नहीं? यही बात ओवैसी ने सोची होगी और यही बात अखिलेश जी ने भी सोची होगी कि भाई जब अतीक और अशरफ दो ही थे कलाकार, जब दोनों ही मर गए, बाकी बच्चे हैं अभी नन्हे मुन्ने, हालांकि वो भी कलाकार हैं, वहां तो भाई पैदा होते ही सटासट गोली चला रहा है लड़का, अब तो वो भी नेम्ड हो गए दोनों, अतीक के लड़के जो उस वक्त कहा था नाबालिग है, लेकिन वो भी कलाकार निकले। खैर, तो उन्होंने सोचा होगा कि जो इलाहाबाद, कौशाम्बी, फूलपुर, प्रतापगढ़ इसे इधर मुस्लिम इलाके में, मुस्लिम लोगों में जो अतीक का रौला चौला है, जब दोनों ही मर गए अतीक और अशरफ, तो अब इनके घर जाने से क्या लाभ। इसीलिए ओवैसी ने भी कहा होगा गुरु हैदराबाद से यहां तक टिकट का पैसा क्यों खर्च करूं। मुख्तार के यहां अफजाल है, अभी दो लड़के हैं जो दो विधायक हैं क्या, यानी अभी वहां संभावनाएं पूरी हैं। अतीक के यहां तो संभावनाएं खत्म हो गई थी, इसलिए कोई नहीं गया। अरविंद जी बिल्कुल बिल्कुल, वो कहते हैं ना अमिताभ जी की, जो एक बड़े वृक्ष की संभावना छोटे से बीज में ही निहित होती है, तो आपने एकदम सही कहा। वहां पर जो गाजीपुर में अभी जो मुख्तार अंसारी एंड कंपनी की जो फैमिली है उसमें, अच्छा मजेदार बात कि उनके जो बच्चे हैं उसी रो में बोलते भी हैं, और आपने देखा कि किस तरह से 2022 के चुनाव में उनका लड़का कहते हुए सुना गया था सुभाषपा के मन से कि अभी हिसाब करना बाकी है, चुनाव तो हो जाने दीजिए, भैया की सरकार आने दीजिए। तो भैया भी अपना धर्म निभा रहे हैं अच्छी तरह से, और वो अच्छी तरह जानते हैं कि इलाहाबाद में जो है कोई उस ढंग का अभी है नहीं, अभी उन लोगों को साबित करना है, और यहाँ लगातार साबित हो चुका है, चाहे बाड़ी से हो चाहे बाकी चीजों से हो, तो निसंदेह जो है वहां से जो उनको एक ऊर्जा मिलेगी, आज जिस तरह से ऊर्जा लेने के लिए फाटक पर जो है समाजवाद को लेकर के घसीटते हुए लेकर के गए हैं,
तो निसंदेह जो उसके अपने मायने हैं। हाँ बिल्कुल, एक चीज और है, वैसी दिन भी कम थोड़े हैं, ये भी जो है उसी तरह की सियासत करते हैं जैसा कि अखिलेश जी करते हैं, तो ये भी उसी तरह से उसी तासीर में जो है अपने बातों को जो है घुमाते हैं, चाशनी में घोलते हैं, और ये इनको नहीं आना चाहिए, इनको भी तो अतिक में आना चाहिए जो दानिश कुरैशी भाई कह रहे हैं, तो इनकी भी तो जिम्मेदारी थी। अगर मान लीजिए उस विधान को ये लोग मानते हैं, उस कर्मकांड को मानते हैं, उस तेवर को, हो सकता है गुड्डू मुस्लिम का कुछ हो तो आए। हाँ गुड्डू मुस्लिम फरार है, गुड्डू मुस्लिम को तो उनके लड़के कह ही दिया कि गद्दार है, तो अब देखिए अब उसके साथ ये कितना कंधा जोड़ते हैं। दानिश जी वो कुछ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई जैसे जिस कारण से अखिलेश यादव नहीं गए अतीक के यहाँ मातम पुरुषी करने, उसी से फिर ओवैसी भी नहीं गए, बोले गुरु इधर क्या रखा, ये दुकान तो लुट गई, वहां अभी दुकान भरी पूरी है, मुंह वो लड़का भी मुंह जॉइंट रहा है, मुन्नू भी क्या, और दूसरा भी अफजाल खुद ही है, और इधर तो भाई दुकान ही बंद हो गई, जब कुत्ते पाले थे वो भी मर गए भूखे क्या, तो ओवैसी का गुरु वहां जा क्या फायदा। अच्छा सुनिए जी, अब मैं जवाब दूं। देखिए दिक्कत क्या है अमिताभ जी, कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और हमारे मित्र वरिष्ठ पत्रकार जो है ना, वो शायद बातें तो बहुत अच्छी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार ये भूल गए कि जिस वक्त अतीक की और अशरफ की हत्या हुई थी, उस वक्त उनकी पत्नी भी नहीं थी, उनकी जो भाभी थी वो नहीं थी, चारों बच्चों जेल में थे, तो फिर क्या अमिताभ जी के घर जाते या वरिष्ठ पत्रकार जी के घर जाते, कि जो बीजेपी के नेता उनके घर जाते। दिक्कत क्या है इनकी, कि सवाल ये होना चाहिए था, सबसे बड़ा सवाल ये होना चाहिए था कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था कि भाई उसकी जान को खतरा है, उसके बावजूद भी आप देखिए इंपोर्टेड वेपन से पुलिस के घेरे में, जबकि दो दिन पहले पुलिस ये कहती थी कि आप पुलिस के ऊपर अगर कोई वो करेगा अटैक करेगा तो काउंटर अटैक में ढेर कर दिए जाएंगे, और हमने 25 सेकंड तक पूरा खेल देखा, आपने भी देखा अमिताभ जी और हमने भी देखा। रह गई बात अगर अतीक अहमद की बात की जाए, तो अतीक अहमद को 10 मिनट के बाद से मुसलसल जो घटना हो रही थी उस पर प्रतिक्रिया वैसी साहब की भी आई, और मैं भी मुसलसल बोलता रहा आपके साथ में भी, उस मामले में हम बहस कर चुके हैं। दिक्कत यह है कि उनके परिवार के लोग अगर इनकी बात कर रहे हैं, अफजाल अंसारी की बात करते हैं या मुख्तार अंसारी की बात करते हैं, तो मुख्तार अंसारी के परिवार के लोग मौजूद थे, इसलिए तमाम लोग पहुंचे। अगर अवैसी साहब की बात कर रहे हैं, आपने तर्क ठीक दिया, ढूंढ के लाए, ठीक दानिश भाई आप ढूंढ के लाए तर्क, लेकिन इस पर मैं एक टिप्पणी करके फिर अनुभव चक के पास जाऊंगा। ठीक है अतीक की बीबी फरार थी, अशरफ की बीबी फरार थी, जो बच्चे थे वो जेल में थे या अनाथालय में, सुधार गृह में थे, जहां भी थे, लेकिन कई हजार आदमी तो उसकी मिट्टी में भी गया था, मिट्टी में जाने में तो रोक थी नहीं, रिचुअल हुए थे, फातिहा पढ़ने तो जाना चाहिए था ना। अरे भाई किसने कहा कि उनकी बेगम से मिलकर सिमई खानी थी, ऐसा तो था नहीं, आप फातिहा पढ़ने तो जाते, एक अगरबत्ती जला आते, गुलाब के फूल पंखुड़ी थोड़ी डाल देते और फातिहा पढ़ लेते, तो अतीक के जो शागिर्द हैं उनकी भी छाती जुड़ाती नहीं, उनको भी लगता है कि हाँ देखो हैदराबाद से चल के आदमी है, उसका भी तार्किक जवाब है, हमें भी उसका भी तार्किक जवाब है। अरे हम क्या करना, हमें तो वही लोग कहते कि भैया वो नहीं आए, तो हमने कहा भाई अब देखो क्या करें, जो है सो है, अब वो लड़के भी अब तो वो भी कलाकार हो गए, पुलिस के सब में चल रहे हैं, हो सकता है कि थोड़े समय बाद वो ऐसी स्थिति पैदा कर दें कि फिर आप लोगों का आना जाना शुरू हो जाए वहाँ। हाँ भाई बोलू, दो चार अच्छे कांड लड़के कर देंगे तो आप लोग जाने आने लगोगे।